हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद राधा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड ईवीएस क्वेश्चंस जो पेपर वन में आता है। सीटेट, यूपीटेट, कोई भी स्टेट टीईटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेपर वन में एक सेक्शन आता है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो उसके लिए मैंने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और चांसेस हैं कि सीटेट पेपर वन 2019 में जो होने वाला है, जुलाई 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें ये आए। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और भी होंगे तो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट प्रोसीजर्स इज़ लीस्ट अप्रोप्रिएट। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लीस्ट अप्रोप्रिएट है इन रिलेशन टू असेसमेंट प्रोसीजर्स, जो हम मूल्यांकन करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है या कम रिलेटेड है। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्निंग इंडिकेटर्स एंड सब इंडिकेटर्स मेक्स द रिपोर्टिंग मोर डिटेल्ड। तो हमें लर्निंग इंडिकेटर्स और सब इंडिकेटर्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उसके बारे में डिटेल हमें बताना चाहिए, रिपोर्ट बनानी चाहिए। फिर है बी रिमार्क्स लाइक फेयर, गुड एंड वेरी गुड गिव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ चाइल्ड्स लर्निंग। तो हमें बच्चे को कैटेगराइज कर दिया यहाँ पर। अगर उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है तो हमने वेरी गुड कर दिया, फिर उसी तरह से गुड और फेयर। तो हमें यहाँ पर बच्चों की लर्निंग के हिसाब से बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। पोर्टफोलियोज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट कंटेन ओनली देयर बेस्ट वर्क बट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। तो हमें पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें कि जो भी उन्होंने काम किया है हर एक के बारे में बताना चाहिए। गिविंग पर्सनल डिटेल्स एंड इंडिविजुअल फीडबैक टू द चाइल्ड इज़ अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस। तो बच्चे की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो हमें देनी चाहिए, इंडिविजुअल फीडबैक बच्चे को देना चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, एक्सेप्ट ये जो जब हम बच्चों को क्लास कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग की वो फेयर है, गुड है, वेरी गुड है, तो बी जो है वो लीस्ट अप्रोप्रिएट है इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज। राइट देयर नेम्स इन द नोटबुक। विच प्रोसेस स्किल इज असेस्ड थ्रू दिस क्वेश्चन। तो अगर आप बच्चों से बोल रहे हो कि आपने एनिमल्स देखे हैं अपने आसपास जिनके पास स्मॉल बेबीज हैं, तो उनके नाम हमें लिखने हैं, बच्चों को लिखने हैं, और हमें ये बताना है कि कौन सी उनकी प्रोसेस स्किल जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम असेस कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बी है कंसर्न फॉर जस्टिस, सी है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, और डी है क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। अगर बच्चे ऑब्जर्व करेगा अपने आसपास, जैसे हम बोल रहे हैं कि आपने अपने आसपास स्कूल में या घर के आसपास एनिमल्स देखे हैं अपने बेबीज़ के साथ उनको, तो ये बच्चा ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा, मेमोराइज़ नहीं करेगा, वो अपने जो उसने पहले ऑब्जर्व किया होगा तो वो रिकलेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस यानी कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वो एक डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, कई सारे डिसिप्लिन, कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक जो इंटरेक्शन है कई सारे सब्जेक्ट्स का, वो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो यहाँ पर जब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की बात कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो भी उससे रिलेटेड हैं
तो कंटेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ, तो वो कौन से कंटेंट्स और कौन से मेथड्स इंक्लूड करते हैं जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं. तो ऑप्शन है सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिर है साइंस, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज साइंस एंड सोशल साइंस. तो करेक्ट आंसर है साइंस. साइंस भी इंक्लूड करते हैं हम, सोशल साइंस इंक्लूड करते हैं और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इंक्लूड करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ ए गेव द क्वेश्चन राइट फाइव एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज व्हाइल द टीचर ऑफ क्लास फाइव बी गेव द क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ. तो एक क्लास की फिफ्थ क्लास की दो सेक्शन है. ए सेक्शन में टीचर ने पूछा कि राइट फाइव एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज और दूसरे सेक्शन में टीचर ने पूछा कि अगर ट्रीज अर्थ पे नहीं होंगे तो क्या होगा. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो हमें नेचर बताना है क्वेश्चंस का. ए इज़ ओपन एंडेड कन्वर्जेंट एंड बी इज़ क्लोज एंडेड. तो यहाँ पर जब हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एडवांटेजेस फाइव एडवांटेजेस यानी कि हमने जो थिंकिंग है बच्चे की वो कन्वर्ज कर दी, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और उसने ईजिली आंसर कर दिया. बट जब हम बोलेंगे कि अर्थ पे कोई भी ट्रीज नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो है बच्चा सोचेगा, यहाँ पर बच्चा सोचेगा और अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल है वो उसकी डेवलप होगी और इसकी वजह से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया. तो जो ए है, ए जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हम बच्चे को सोचना नहीं पड़ा और उसने इजीली फाइव एडवांटेजेस बता देगा. तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ बता रहा है. वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ए कन्वर्जेंट है, बी जो है वो है ओपन एंडेड और डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट जो है इसका मतलब ये है कि बच्चा कई डायरेक्शन में सोचेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट एसेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस इन क्लास वन. तो बच्चे की जो लर्निंग है उसको एसेस करना क्लास वन में कैसे करेंगे. ऑप्शन ए है ओरल टेस्ट लेके एज चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू राइट, बी है ड्राइंग एज चिल्ड्रन इन्जॉय इट, सी है टीचर एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, मतलब कि टीचर की ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग. देर इज़ नो नीड ऑफ असेसमेंट इन व्यू ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी. तो यहाँ पर डी ऑप्शन बोल रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है असेसमेंट करने की. तो ऑप्शन ए बी सी ये सही है. क्यों? क्योंकि जो बच्चा जो है वन क्लास का बच्चा जो है वो अपने व्यूज़ को लिखने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ओरल टेस्ट हम ले सकते हैं, ड्राइंग के द्वारा हम उनसे उनको असेस कर सकते हैं उनकी लर्निंग को, और टीचर ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्डिंग से भी असेस कर सकते हैं. तो असेसमेंट की तो ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि असेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. तो असेसमेंट की ज़रूरत होती है, ए बी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. एज एन ई वी एस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट्स टू द जू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक. तो ई वी एस की टीचर हैं आप और आप बच्चों को जू ले जाना चाहते हैं, जू ले जाने के लिए प्लान किया है आपने, तो आप कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को नहीं करने देंगे. फर्स्ट ऑप्शन है टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द जू, ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय डिफरेंट एनिमल्स एट द जू, कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स दे एक्सपेक्ट टू सी एट द जू, टेक देयर ड्राइंग बुक्स अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द जू. तो क्या नहीं करना है हमको, टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द जू, क्योंकि एनिमल्स के लिए ईटेबल्स जो है वो नहीं अलाउड होता है, वो ले भी नहीं जाना चाहिए, अगर अलाउड भी हो तो भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो उनको खाने की चीज़ें जो उनको जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो जू से ही प्रोवाइड किया जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
द कंसेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय. तो सीड जर्मिनेशन जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाएंगे. फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सो सीड्स, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम. नेक्स्ट है शोइंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीड जर्मिनेशन. Showing next hai showing germinated seeds to the class and explaining the process of germination. Or last hai presenting the germination stages through drawings on the board. तो ये सारे option ही correct है जब हम seed germination के बारे में पढ़ाएंगे. But जो concept है वो उनका तभी clear होगा जब वो actually seed germination को देखेंगे, और वो तभी possible होगा जब वो activity में involve होंगे. और इसीलिए हम बोलेंगे स्टूडेंट्स को वो एक्टिविटी करने के लिए कि वो सीड्स को सो करें, फिर डिफरेंट स्टेजेस देखें, और फिर वो स्टेजेस देखकर उसको ड्रॉ करें. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स. मीरा लाइक्स टू ईट समोसास, कटलेट्स एंड ब्रेड. Divya, on the other hand, takes an iron deficient diet. Which of the following disorders are Meera and Divya likely to suffer from, respectively? तो जो मीरा और दिव्या दो girls हैं, जो मीरा हैं उसको समोसास, कटलेट्स, ब्रेड पसंद है, but Divya को iron deficient diet लेती है, तो कौन कौन से disorders मीरा और दिव्या को होंगे? क्योंकि समोसास, कटलेट्स और ब्रेड में इसमें ऑयल जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है. फ्राइड चीज़ें हैं ये, तो ऑयल कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा होगा. ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. बट अगर किसी चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए मीरा को जो समोसास, कटलेट्स पसंद हैं, तो उसकी वजह से वो उसको ओबेसिटी हो जाएगी, जो कि एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है. ओबेसिटी भी किसी चीज़ का एक्सेस हो जाना, फैट का ज़्यादा हो जाना और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाना, तो इसकी वजह से ओबेसिटी होगी. बट दिव्या जो आयरन डेफिशिएंट डाइट ले रही है, आयरन की कमी से होता है अनीमिया, तो अनीमिया हो जाएगा उसको. तो जो दोनों डिसऑर्डर हो गए, मीरा को होगा ओबेसिटी और दिव्या को होगा अनीमिया. ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन. तो बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल के बारे में बताने के लिए एक टीचर को क्या करना है. फर्स्ट ऑप्शन है शो सम सैम्पल्स ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास. Discuss with children about possible kinds of fuel that can be used for cooking along with a short film. Show pictures of fuels on the chart. Ask children to list different fuels. तो ये सभी options correct हैं, but हमें best option choose करना होता है. तो जब बच्चे की ज़्यादातर senses involved होती हैं और वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी लर्निंग जो होती है वो सबसे अच्छी लर्निंग होती है. पर यहाँ पर जब हम कुछ सैम्पल्स बता रहे हैं, पिक्चर्स शो कर रहे हैं और उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सारे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहे. बट हम जब बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल फ्यूल्स हो सकते हैं जो कि कुकिंग में हेल्प करें, और साथ के साथ एक शॉर्ट फिल्म भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो अवेयरनेस है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल, वो ज़्यादा अच्छे से होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड. तो एक मैप को रीड करने के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस. एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स, एबिलिटी टू यूज़ कैलकुलेशंस एंड स्केच पोजिशंस ऑन अ ग्लोब. तो यहाँ पर हम मैप की इंक्लूड, मैप मतलब नक्शा किसी भी देश का, स्टेट का. तो अब जो मैप होता है उसमें जो स्किल्स हैं, वो अगर बच्चा रिलेटिव पोजिशन बता पाए प्लेसेस की,
कि ये प्लेस जो है इसके ईस्ट में है, ये डायरेक्शन इसकी वेस्ट में है, तो और ये इतनी दूरी पे है, इतना डिस्टेंस है, अगर ये बता पा रहा है बच्चा तो यानी कि उसकी जो स्किल है मैप रीड करने की वो अच्छी है. ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट वन. गिविंग importance to individual experiences of children in an EVS class will benefit the teacher. तो अगर individual experiences को EVS class में हम include करें, हर बच्चे के experiences को EVS class में हम include करें, तो teacher को कैसे benefit मिलेगा? Option A, first option है, to connect the subject to the learner's experiential world and promote reflection and learning, to save her energy as children enjoy talking, to know the unique experiences of children, to help and improve the language and communication skills of the children. तो यहाँ पर जो benefit है teacher को क्या मिल रहा है वो हमें बताना है. तो ऐसा नहीं है कि उसको अपनी एनर्जी सेव करनी है या बच्चे आपस में ही बात करते रहे तो टीचर की एनर्जी सेव हो जाएगी. कभी भी टीचर का एम जो है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, कभी भी एम ये नहीं होना चाहिए कि उससे अपनी एनर्जी सेव करनी है या बच्चों के एक्सपीरियंसेस को अपने बेनिफिट के लिए लेना है या लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स. ये लास्ट ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. यहाँ पर बच्चा जो है सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा है क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो जब वो शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो ईवीएस क्लास में जब कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन और लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ फास्टर इनसाइड द स्टमक दैन आउटसाइड बिकॉज. तो डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो फास्ट होता है दैन आउटसाइड. क्यों? द डाइजेस्टिव जूसेज व्हेन केप्ट आउटसाइड द स्टमक बिकम्स इनएक्टिव. द फूड इज चर्न इन द स्टमक thereby इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर क्विकर एंजाइम एक्शन. The digestive juices inside the stomach are acidic while outside they are alkaline. The amount of digestive juices produced in the stomach in the presence of food is much more. तो अगर हम सेम कंडीशन डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि पता है स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं जो जिनका नेचर जो है एसिडिक होता है, अगर वो हम बाहर भी वही कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब भी जो डाइजेशन है वो जल्दी नहीं होता. क्यों? मेन रीज़न है कि फूड जो है वो अंदर जो है चर्न होता है स्टमक में, जिससे फूड जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं वो इजीली एक्ट कर पाते हैं. जैसे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एंजाइम जो है उस फूड पार्टिकल पर पूरा कवर कर लेता है फूड पार्टिकल को, और ज़्यादा एंजाइम जो मैक्सिमम एंजाइम एक्शन हो पाता है. ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए टीचिंग का ईवीएस में प्राइमरी लेवल पर. फर्स्ट है, टू लोड लर्नर्स विद टर्म्स एंड डेफिनेशंस फॉर असेसमेंट, टू इंटरनलाइज द वैल्यूज ऑफ कंसर्न फॉर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, अराउज क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, एंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोमोटर स्किल्स. आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि जब हम लाइफ और एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज़ बच्चे के अंदर डालते हैं, तो ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव होता है. क्यूरोसिटी बच्चे को जागरूक करना, क्यूरोसिटी बढ़ाना बच्चे की नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड. फिर है बच्चे को एंगेज करना एक्सप्लोरेशन में, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है ईवीएस का. बट अगर हम बोले कि टू लोड लर्नर्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ असेसमेंट, बच्चे को टर्म्स और डेफिनेशंस में, असेसमेंट की डेफिनेशंस में घुस जाना, ये बच्चे को
एक तरह से बर्डन कर देना, तो ये हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता ईवीएस में. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. An egret bird is often seen on a buffalo's back. This is because, तो आपने एक बर्ड देखी होगी जो बफेलो के पीठ पे बैठी होती है, तो वो किस वजह से बैठी होती है? ऑप्शन वन है feeds on parasites on the buffalo's back, feeds on insects present in the grass, loves to sing while sitting on the buffalo's back, rest after flying for a while. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फीड्स ऑन द पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक. तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. बफेलो जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है कि उसके जो पैरासाइट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं. ईग्रेट बर्ड जो है उसको फूड मिल रहा है, वो पैरासाइट्स को उसको एज अ फूड वो कंज्यूम कर रहा है, ये बर्ड ईग्रेट बर्ड. तो यहाँ पर जो है बफेलो और बर्ड जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है एक दूसरे से. द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैम्पल ऑफ अ रेलवे टिकट इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक इज़ टू. तो अगर रेलवे टिकट ईवीएस टेक्स्ट बुक में अगर आपको शो किया गया है एक सैम्पल, तो उसका जो एम है वो क्या है? To enhance the skills of students to arrive at conclusions, give them an opportunity to interact with real information and develop the skill of observation, give the students an idea of the rail fare, provide them the knowledge of various abbreviations used in the ticket. So correct one hai. सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पर बच्चा सैम्पल जो रेलवे टिकट का सैम्पल देख के उसे रियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा और वो हर एक छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, कहाँ कौन सी चीज़ लिखी गई है, कौन सी डेट है, डेट कहाँ लिखी गई है, वो सब टाइमिंग्स कहाँ हैं, ये सब के बारे में वो देख पाएगा. उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है वो इसमें बढ़ जाएगी, उसको उसकी उसका डेवलपमेंट होगा उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल का. Which of the following represents one of the objectives of teaching EVS at primary school? तो यहाँ पर हमें teaching objective of teaching का देखना है primary school में कौन सा जो है objective है. Inform the learners about the books they should read to expand their knowledge, to connect the experiences of the learners in school with the outside world, to make learners aware of technical terms and definitions, to assess technical terms related to EVS. तो हमें क्या करना होता है, बच्चे को जागरूक करना होता है, अवेयर करना होता है विद द नेचुरल वर्ल्ड. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ टीचिंग EVS तो वो यही है, बच्चे को अवेयर करना नेचुरल वर्ल्ड से, नेचुरल एनवायरनमेंट से. तो करेक्ट ऑप्शन है टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असाइनमेंट्स इज करेक्ट. तो असाइनमेंट से रिलेटेड, असाइनमेंट जो हम होम असाइनमेंट्स देते हैं बच्चों को, वो उससे रिलेटेड हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. असाइनमेंट्स प्रोवाइड लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम. असाइनमेंट्स कैन बी डन बाय पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट दैट दे पोसेस. Assignments need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety and practice. Assignments should be only a method of assessment. तो assignments हम इसलिए provide करते हैं ताकि हम बच्चे की जो thinking है उसको expand कर पाएँ और बच्चा जो है अपने आसपास information जो है उसको उसकी जो observation है उसको बढ़ा पाएँ और वो उन इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली आर्टिकुलेट कर पाए, प्रॉपरली उससे कंक्लूजन निकाल पाए, अपने आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट कर पाए. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी परफॉर्म इन द ईवीएस क्लास. तो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ईवीएस क्लास में करवाए जाते हैं. टू डिस्कस आइडियाज़, record and analyze observations on the basis of questions raised by students, to control the students to ensure discipline in the class, to enable children to learn on their own and sharpen their observation skills, to follow what is being done in the senior classes. तो हम ये इसलिए कराते हैं, simple experiments और demonstration हम इसलिए कराते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उन ideas को discuss कर पाएँ, record कर पाएँ, फिर जो ऑब्ज़र्व उन्होंने किया, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं उनको एनालाइज़ कर पाएँ और कंक्लूजन निकाल पाएँ उन चीज़ों से, उन ऑब्जर्वेशन से
एनालिसिस करने के बाद. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. दुर्गा लिव्स इन अ विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा अर्दन स्टोव यूजिंग वुड और काउडंग काउडंग केक्स एज फ्यूल. शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ फॉर द लास्ट 3 मंथ्स. दिस मे बी ड्यू टू द. तो ये किस लिए हुआ है जो उसको कफ हुआ है. स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल्स विच मे हैव कॉज्ड हर एलर्जी. ओल्ड एज एंड पोल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड हर हर्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सूत प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल्स विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो जब उसने दुर्गा ने चूल्हे पे खाना बनाया तो काउडंग जो होता है एक तरह का फ्यूल है. काउडंग केक्स जो हैं जो फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से एक काला धुआं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे हम सूट बोलते हैं ये प्रोड्यूस होता है. और जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके वो लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से कफिंग होती है. तो जो आंसर 4 है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स टू राजस्थान. व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विजिट. तो एक स्कूल ने प्लान किया है एजुकेशनल ट्रिप क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जा रहे हैं. तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी बच्चों से. दे शुड नोट डाउन देयर क्वेश्चंस इफ एनी एंड आस्क द पेरेंट्स आफ्टर रीचिंग होम. दे शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट इट. दे शुड इंजॉय देमसेल्व्स. दे शुड ऑब्जर्वली सॉरी दे शुड ऑब्जर्व कीनली एंड मेक नोट्स एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस विद अदर स्टूडेंट्स एंड द टीचर. तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है एक टीचर की वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चा है उसकी लर्निंग हो क्योंकि एजुकेशनल ट्रिप है तो बच्चे की लर्निंग हो पाए वहाँ पर बच्चा ऑब्जर्व कर पाए उसका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो और डेवलप हम कर पाएँ और वो नोट्स बनाए. एजुकेशनल ट्रिप में सबको एक नोटबुक कैरी करनी होती है ताकि उसको जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी वहाँ पर गाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके वो प्रॉपर नोट्स बना पाए और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो और स्टूडेंट्स के साथ या टीचर के साथ शेयर कर पाएँ. तो करेक्ट ऑप्शन है 4. रीना सेपरेटेड द गारबेज फ्रॉम द हाउस इनटू 2 पाइल्स एज शोन बिलो. तो ये 2 पाइल्स हैं जहाँ पर बनाना स्किन वेजिटेबल पील्स ड्राइड लीव्स न्यूज़पेपर्स एक पाइल में लिखा हुआ है दूसरी पाइल में लिखा है जैम बॉटल्स सॉस बॉटल यूज टूथपेस्ट ट्यूब प्लास्टिक टॉयज. तो यहाँ पर गारबेज जो है रीना ने सेपरेट कर दिया है डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया. और वो क्या क्राइटेरिया है. फर्स्ट है दे आर हाउस होल्ड और एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. दे हैव ओडर एंड आर ओडरलेस. दे कैन बी डिकम्पोज्ड कैनॉट बी डिकम्पोज्ड कैन बी रिसाइकल्ड कैनॉट बी रिसाइकल्ड. तो बनाना स्किन वेजिटेबल पील्स ड्राइड लीव्स न्यूज़पेपर्स ये जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं. सब बायोडिग्रेडेबल मतलब कि इनको डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स जो हैं इनका डिकम्पोजिशन उनकी वजह से हो जाता है. बट जैम बॉटल्स सॉस बॉटल्स इन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं. तो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ. तो चिपको मूवमेंट जो है ये किसकी लीडरशिप में इसको बढ़ावा मिला था. सुंदरलाल बहुगुणा तो ये थे चिपको मूवमेंट के लीडर. तो यहाँ चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है. ट्रीज़ को बचाने से रिलेटेड है जहाँ पर लोगों ने अपने आप को ट्रीज़ से अपने आप को ट्रीज़ जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था बहुत फास्ट पेस में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था ट्रीज़ काटे जा रहे थे. तो कुछ लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम ट्रीज़ को बचाएंगे और उस मूवमेंट को बोला गया चिपको मूवमेंट जहाँ पर वो ट्रीज़ से चिपक जाते थे और बोलते थे हम ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे. तो उनके ये जो लीडरशिप
चिपको मूवमेंट जो स्ट्रेंथन हुआ था वो लीडरशिप में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के। वाइटामिन्स आर सब्सटेंसेस, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड कंपोनेंट्स में आपने देखा होगा, वाइटामिन्स जो हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीजेस दैट इंक्रीज अ मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट। थर्ड है रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग। तो वाइटामिन्स मतलब वाइटल एलिमेंट्स, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, और ये जो चीज़ें हैं वाइटामिन्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में हमें लेनी चाहिए ताकि हम डेफिशिएंसी डिसीजेस से बच पाएँ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूरल एरियाज काउ डंग इज़ यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट टू। तो रूरल एरियाज में काउ डंग है, वहाँ पर लीपा पोता जाता है वहाँ की जो घर होते हैं हट्स होते हैं उनकी वॉल्स पे और फ्लोर पे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, सेकंड है कीप्स द इंसेक्ट्स अवे, नेक्स्ट है मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, लास्ट है मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फ्लोर और जो वॉल्स हैं उनको स्मूथ करने के लिए और क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें कटिंग ऑफ क्रॉप्स होता है, हैंड पिकिंग भी एक प्रोसेस है फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, थ्रेशिंग है जब हम फूड ग्रेन्स को निकालते हैं, और विनोइंग में क्या करते हैं फ्रूट जो फूड ग्रेन्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं शाफ से, जो सूखा हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं ड्राइड पार्टिकल्स होते हैं कवरिंग्स होती हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन द EVS टेक्स्ट बुक। तो जब हम रिडल्स और पजल्स EVS टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट है टू कन्फ्यूज़ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लर्न देम इन्जॉय द कन्फ्यूजन, नेक्स्ट है टू डेवलप क्यूरोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, नेक्स्ट ऑप्शन इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, लास्ट है टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। तो रिडल्स जो और पजल्स जो हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, उनकी क्यूरोसिटी को डेवलप करना, और बच्चे की डाइवर्जेंट, बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ लेके जाना। बट हमारा एम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी ये नहीं होता कि बच्चों को कन्फ्यूज कर देना। और फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट वन, जो कि EVS में ऑब्जेक्टिव नहीं होता ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज़। तो यहाँ पर मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और वुमेन का जो है ए है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें 50% चांस होंगे कि वो ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अ शूटिंग स्टार इज अ, तो शूटिंग स्टार के बारे में क्या है, क्या है एक्चुअली शूटिंग स्टार? इट इज़ अ मेटेरॉयड विच कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो मेटेरॉयड जो होते हैं कुछ टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बिग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एयर की फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, वो अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है और जो अदर पार्टिकल्स गैसेस होती हैं उनसे फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, इसीलिए हम उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज़ दैट, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है?
फर्स्ट है बॉइलिंग कॉजेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाइल इवेपोरेशन डज नॉट. चेंजिंग ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इंटू वेपर कैन बी सीन बट इवेपोरेशन कैनॉट बी सीन. बॉइलिंग कॉजेज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर वाइल इवेपोरेशन डज नॉट. इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैनॉट. तो अगर आप वाटर की ही बात करें, वाटर का जो बॉइलिंग, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वाटर का, वो है 100 डिग्री सेल्सियस. बट इवेपोरेशन जो है, जैसे कि बाहर अगर धूप में आपने कपड़े सुखाए हैं, गीले कपड़े डाले हैं, तो वाटर जो है, वाटर कंटेंट जो है उसमें से निकल जाता है, वो इवेपोरेट वेपर फॉर्म में चला जाता है. तो उसके वेपर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक आए. तो इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है, बट बॉइलिंग जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होती है. और ये डिफरेंट लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जैसे वाटर के लिए 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये. एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट्स शुड कंसिस्ट ऑफ. तो प्राइमरी स्टेज में जो है वो असेसमेंट किन चीज़ों से होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर. नेक्स्ट है होम असाइनमेंट्स एंड क्लास असाइनमेंट्स एवरी वीक टू रेट यंग लर्नर्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ पास और फेल. नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विद लर्नर्स एंड पेरेंट्स. लास्ट है फॉर्मल टेस्ट एंड गेम्स डन एवरी वीक एंड रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट कार्ड. तो प्राइमरी स्टेज में जो है हम बच्चों को इतना बर्डन नहीं देते हैं. लर्निंग जो है सिंपली ऑब्जर्वेशन से ही हम करते हैं उनकी चेक. असेसमेंट जो है लर्निंग का, वो हम ऑब्जर्वेशन से ही करते हैं. तो हम उनको एग्जामिनेशंस का जो बर्डन है वो नहीं देते. होम असाइनमेंट्स, क्लास असाइनमेंट्स का भी इतना बर्डन नहीं देते हैं. और तो करेक्ट आंसर है कंटिन्यूस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विद लर्नर्स एंड पेरेंट्स. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेगुलरली जो टीचर ऑब्जर्वेशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है. अनस्ट्रक्चर्ड की अनस्ट्रक्चर्ड मतलब टीचर कभी भी बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है. और ये जो ऑब्जर्वेशन है टीचर लर्नर से, यानी बच्चों से भी शेयर करता है और उनके पेरेंट्स से भी शेयर करता है. तो इस तरह से असेसमेंट की जाती है प्राइमरी स्टेज में. यहाँ पर ये जो वीडियो है मैं एंड कर रही हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा हो. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लर्न विद राधा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको, आपके पास जो भी मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी. थैंक यू सो मच.